मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, अभी देवरिया के सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान कलराज मिश्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष देवरिया अंतर्यामी सिंह जी, सूर्य प्रताप शाही जी, रमापति शास्त्री जी, श्रीमती अनुपा जायसवाल जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री पंकज सिंह जी, श्री मन्नूलाल कोरी जी, सांसद श्री शरद त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, जन्मय जय सिंह जी, श्री जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा जी, सुरेश तिवारी जी, श्रीमती अलका सिंह जी, श्री नीरज शाही जी, हरेंद्र सिंह जी, रविंद्र प्रताप मल्ल जी, अनुरुद्ध मिश्र जी, विजय कुमार दुबे जी, महेंद्र यादव जी, रामधनी गौड़ जी, श्री हरेंद्र जायसवाल जी, और आज इस सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज जब मैं देवरिया में आया हूँ तो देवरिया की ये महान भूमि को, जो भूमि आध्यात्म और क्रांतिकारी दोनों का समन्वय की भूमि है, ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर अपनी बात की शुरुआत करना। ये भूमि महर्षि वशिष्ठ, भगवान बुद्ध, इसकी तपोभूमि होने का गौरव जिसको प्राप्त है वो भूमि है। देवरा बाबा की साधना की भूमि है और स्वतंत्रता आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में बाबा राघव दास ने अंग्रेजों को नाको चपो पानी पिलाया था, वो भूमि है। ये भूमि के 13 साल के छात्र रामचंद्र को तिरंगा फहराने के लिए अंग्रेजों ने गोली से भून लिया था, ऐसे वीर छात्र की भूमि है ये देवरिया की भूमि को मैं प्रणाम कर अपनी बात करना शुरू। मित्रों, आज सुबह से 10 बजे से मैं निकला हूँ, 4 सभाएं समाप्त हो गई, देवरिया की 5वीं है, अभी गोरखपुर जाना है, गोरखपुर में रोड शो है, बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत देरी हो चुकी है, आप लोगों को बहुत बैठना पड़ा, इसलिए आप सब से दो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत। मित्रों, 2014 में मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, देवरिया का टिकट अंत में घोषित हुआ था और हमने हमारे सबसे वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र जी को देवरिया का प्रतिनिधि बनने के लिए आपके बीच में भेजा था। कलराज जी को आपने जिताया, कलराज जी अब पार्टी की अन्य जिम्मेदारी संभालने वाले, उन्होंने स्वयं ने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और इस बार भी हमने उत्तर प्रदेश भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमापति राम को आपका प्रत्याशी बनाकर भेजा। मुझे ठीक याद है, मैं प्रभारी बनकर आया था, कार्यालय में रमापति राम जी थे, मैंने उनको पूछा कि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश को जानता नहीं हूँ, आप अध्यक्ष रहे हो, संगठन मंत्री रहे हो, मुझे क्या उत्तर प्रदेश समझाओगे? वो हंस पड़े, उन्होंने क्या समझाऊंगा नहीं, मगर इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, माहिती दूंगा। और 3 घंटे तक गाजियाबाद से गोरखपुर तक जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश का वर्णन किया था, भैया वो ही कर सकता है
जिसने चप्पा चप्पा उत्तर प्रदेश का अपने पैरों के तले 10,000 गरीब माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम हमारे कलराज मिश्र जी ने किया, 80,000 किसानों को फसल बीमा दिया, 1.5 लाख किसानों को मोदी जी की योजना के तहत 4,000 रुपया आ गया है, 2,000 रुपया जुलाई में आएगा, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के दिए, और आयुष्मान भारत के तहत 2 लाख लोगों को लाभार्थी बनाने का काम हमारे रमापति जो कलराज मिश्र जी ने किया है। 1.5 साल पूर्वांचल कॉरिडोर हो, गोरखपुर में खाद का कारखाना चालू करना हो, गोरखपुर में एम्स चालू कराना हो, गोरखपुर के अंदर जापानी बुखार के लिए नई रिसर्च सेंटर बनानी हो, आरएमआरसी का शिलान्यास करना हो, संत कबीर अकादमी बनानी हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बनाना हो, 52,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का चुकाना हो, ढेर सारे काम कलराज मिश्र जी ने किए। रमापति राम जी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। मगर मैं थोड़ी विचित्र बात करने आया, एक विचित्र बात करने आया। ये सारे काम मैंने गिना है, एक भी काम के लिए हमारे रमापति राम जी को आप वोट मत देना। मैं कहता हूं, गैस मिला, घर मिला, पानी मिला, शौचालय मिला, दवाइयां मिली, गन्ना का मूल्य मिला, आपका धान खरीदा गया, गेहूं खरीदा गया, ढेर सारे काम हुए, मगर रमापति राम जी को आप इसके लिए वोट मत देना। उनको प्रचंड बहुमत से जिताना है, वोट भी आपको देना है, मगर रमापति राम जी को वोट इसलिए देना है कि नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, देश को सुरक्षित। 10 साल से 2014 के पहले 10 साल से यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, अखिलेश मायावती के समर्थन वाली सरकार, ये सरकार 10 साल तक चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, और ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते। इस प्रकार से सरकार चलाई। 2014 में उत्तर प्रदेश वालों ने भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर दी, 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश ने भाजपा को दे दी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की नीतियों में परिवर्तन आया, बहुत सारे काम, मैं कुछ गिनाना नहीं चाहता। अभी अभी पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवान पाक आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, 40 जवानों को, 40 नौनिहालों को शहीद कर दिया, देश भर के अंदर गुस्सा निराशा हताशा रोष क्रोध कि अब क्या हो सकता, और पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी, इमरान ने डर के मारे सेना बिछा दी कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न करें, हम भी बसों बस में थे सब लोग कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकता है, रास्ते में सेना पड़ी है, तोपे पड़ी है, टैंके पड़ी है, मगर मोदी भी भाई ये यूपी वालों की तरह 56 इंच के सीने वाला आदमी है, 56 इंच। मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, वायुसेना के लड़ाकों को हुक्म दिया, वायुसेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के अड्डे उड़ाकर आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े कर हमारे वायुसेना के विमान वापिस आ गए। मुझे बताओ देवरिया वालों, मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया? सुनाई नहीं पड़ा, जरा जोर से बोलो, अच्छा किया ना? आप कह रहे हो अच्छा किया,
उस दिन भी देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई, फटाके जलने लगे, मिठाइयां बटने लगी, जवानों की तस्वीरों पर मालाएं चढ़ने लगी, मगर दो जगह बड़ा मातम छा गया, छातियां पीट पीट कर रो गए। एक तो पाकिस्तान में, वहां तो देवरिया वाला होना ही चाहिए ना, बताओ भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए मातम, और दूसरा मातम छा गया बहन मायावती, अखिलेश और राहुल बाबा के कार्यालय में मातम छा, वो भी छातियां पीट पीट कर रोने लगे। मेरे तो समझ में ही नहीं आया कि वायुसेना के जवानों ने पाक के आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान के ये लोग क्यों छातियां पीट रहे हैं? कहीं इनके चचेरे ममेरे तो नहीं लगते हैं साहब? इनके चेहरे के नूर उड़ते हैं, हंस नहीं पाते। एक और, मोदी जी ने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, पूरी दुनिया में दो ही देश जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अपने सेना की पीछे खड़े रहते, अमेरिका और इजराइल। मोदी जी ने वो दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम है। मगर ये सारे लोग उदास निराश, अरे राहुल बाबा की पार्टी तो वहां से नहीं हटकी, इनके गुरु है सैम पित्रोड़ा। पित्रोड़ा साहब ने कहा कि भाई दो चार लड़कों ने गलती कर दी, आपने बम क्यों गिराए, इनसे बातचीत करो, वार्ता करो। मुझे बताओ देवरिया वालों, 40 जवानों को जो मार दे उनसे बातचीत करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या?